हेलो फ्रेंड्स, आई एम शबनम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं ये लेके आई हूँ फ्रॉक, जो 1, 2, 3 इयर्स बेबी गर्ल्स के लिए है। और इस तरह से मैंने इसका नेक बनाया, कॉलर बनाया और इस तरह से बटन लगाए हैं मैंने। और ये स्लीव्स में मैंने इस तरह से पैटर्न डालना है और फ्रॉक में मैंने पैटर्न ये वाला डालना है। और इसकी जो बैक साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए इस तरह से है। और बनाने में बहुत ईजी है, बहुत जल्दी बन करके रेडी हो गई है। और फ्रेंड्स, ये मैं सेट बना रही हूँ, इसके साथ पैजामी और कैप भी मैंने बनानी है और उसकी वीडियोस भी मेरे चैनल पर जल्दी ही अपलोड हो जाएंगी। अब मैं आपको इसकी लेंथ ब्रेड्थ बता देती हूँ। पहले मैं बताती हूँ स्लीव की लेंथ, ये 11 इंचीज है। और इसका जो चेस्ट साइज है वो भी 11 इंचीज है चेस्ट साइज। और इसकी जो लेंथ है, टोटल लेंथ ये 16 इंचीज है टोटल लेंथ। और यहाँ तक ये है, ये 11 इंचीज, ये देखिए 11 इंचीज है यहाँ तक। और 5 इंचीज ऊपर हमने शोल्डर बनाया है इसका। और ये मैंने इस तरह से इसकी शोल्डर कटिंग जो है 3-2-1 की है। और फ्रेंड, इस फ्रॉक की 3 पार्ट्स में वीडियो है। और फर्स्ट पार्ट में बॉर्डर पैटर्न, इस तरह से मैंने बॉर्डर बनाया इसका पैटर्न और ये वाला पैटर्न बताऊंगी। और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम ये वाला पार्ट बनाएंगे, इसकी जाली और ये पार्ट ऊपर से शोल्डर कटिंग, नेक कटिंग, फर्स्ट साइड जो है फ्रंट साइड, ये हम कंप्लीट करेंगे। और पार्ट थर्ड में हम इसे कंप्लीट करेंगे, इसकी बैक साइड, इसकी स्लीव, इसका कॉलर, और इसे हम कंप्लीट कर देंगे। और फ्रेंड, आज हमारा है पार्ट 1 वीडियो और इसमें ये बनाएंगे, स्टार्ट करेंगे इसको। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हम ये 2 कलर यूज़ करेंगे। और ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल है और इसका शेड नंबर है 82। और ये भी सेम वूल है, वर्धमान बेबी सॉफ्ट, और इसका शेड नंबर है 11 नंबर। और इसके लिए निटिंग नीडल यूज़ करेंगे हम 10 नंबर। तो चलिए बनाते हैं इसे। फ्रेंड, ये मैंने फ्रॉक की साइड स्टार्ट की है और ये मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पर हमने जाली बनानी है डोरी डालने के लिए, वहाँ तक मैंने इसकी लेंथ जो कंप्लीट कर ली है। इसका बॉर्डर मैंने इस तरह से बनाया है और इसका ये पैटर्न इस तरह से, जो कि बनाने में बॉर्डर पैटर्न भी और ऊपर का पैटर्न भी बहुत ईजी है। आप चाहो तो जो मैंने बॉर्डर पैटर्न बनाया यही सारी फ्रॉक में भी डाल सकते हो, ये भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ तक लेंथ बता देती हूँ कि ये मैंने कितनी बनाई है। यहाँ पर हमने, अब इसके बाद हमने ये जाली बनानी है। और ये जो देखिए 8.5 इंचिस है ये वाला, यहाँ तक मेजर करें तो 8.5 इंचिस। और अब मैं पहले आपको इसका बॉर्डर बताऊंगी कि कैसे बनाया, फिर इसका ऊपर जो पैटर्न जो है वो बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये बॉर्डर पैटर्न मैं आपको इस कलर पर बना करके दिखाऊंगी। आपको यहाँ पे हो सकता है इतना विजिबल नहीं होगा, तो मैं इस कलर पे बनाती हूँ। और इस बॉर्डर पैटर्न के लिए हमें स्टिचे चाहिए 13 के मल्टीपल में और +2, तो मैंने यहाँ पर 41 स्टिचेज लिए हैं। तो इतने ही स्टिचेज हमने स्लीव में भी लेने हैं, तो ये स्लीव आपकी इसी तरह ही स्टार्ट होगी। और फ्रेंड, ये हमारी देखिए फर्स्ट रो है, अभी मैंने स्टिचेज कास्ट ऑन किए हैं। और फर्स्ट रो राइट साइड है ये हमारी, तो ये पर्ल ऑल द स्टिचेज, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और फ्रेंड, यहाँ पर ये 4 रोज़ का पैटर्न है और उन 4 रोज से पहले 2 बेसिक रोज बनेंगी जो रिपीट नहीं होंगी जो हम बना रहे हैं। तो ये है हमारी बेसिक रो 1, राइट साइड से पर्ल ऑल द स्टिचिंग, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। रो 1 राइट साइड से हमारी कंप्लीट होगी। अब हमारी रो 2 रॉन्ग साइड से,
ये भी बेसिक रो है, ये भी हम रिपीट नहीं करेंगे, पर ऑल द स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। फर्स्ट टू रोज दोनों तरफ से उल्टे उल्टे फंदों की बनानी है। तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये टू बेसिक रो हमने बना ली, ये आगे इसके बाद रिपीट नहीं होगी। और ये रो बनाने से ये बॉर्डर जो नीचे से बहुत सुंदर इसकी जो सेटिंग होती है। और अब हमारी पैटर्न की रो वन है, तो रो वन राइट साइड से नीट टू, दो फंदे सीधे बनाएंगे। आप थ्रेड आगे लाएंगे और इस तरह से थ्रेड रैप करेंगे। यहाँ हमने जाली बनानी है यार्न ओवर, निट फोर चार फंदे, सॉरी पर्ल फोर चार फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर। अब ये टू फंदे हमने सीधे बनाए, इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न जो है वो स्टार्ट होता है यार्न ओवर से। यार्न ओवर पर्ल फोर पर्ल थ्री टुगेदर, तीन फंदों का एक करेंगे इस तरह से, तीन फंदे लेंगे नीडल पर और इसका इस तरह से उल्टा फंदा बनाएंगे और एक करेंगे। अब फिर फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर। अब देखिए यहाँ पर जाली बनाई हमने और यहाँ पर दो फंदे जो है हमने कम किए, एक जाली अब यहाँ बनाएंगे, दो फंदे कम जो हुए हैं वो दो फंदे बढ़ जाएंगे। एक यहाँ जाली बनाई, एक हम यहाँ पर बनाएंगे। अब यार्न ओवर, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ से टू फोर सिक्स एट टेन, ये यहाँ तक हमारे टेन स्टिचेज हो गए। अब ये इलेवन, और इसके बाद हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं, तो अब हम इसको बल नहीं करेंगे, यहीं पे थ्रेड आगे रहने देंगे, इसी तरह यार्न को करेंगे। यहाँ पर जाली बन गई, दो फंदे सीधे। अब हमारे ये 13 स्टिचेस हो गए, ये दो छोड़ो, इसके बाद काउंट करेंगे टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व और वन थर्टीन, 13 स्टिचेस का पैटर्न है, यही हम रिपीट करेंगे। अगेन यार्न ओवर, अब हमने उल्टा स्टिच बनाना है, तो इस तरह से हम थ्रेड लपेटेंगे, फोर फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर। अब तीन का एक करेंगे, पर्ल थ्री टुगेदर, पर्ल फोर चार फंदे उल्टे, पर्ल थ्री टुगेदर, फिर पर्ल फोर, वन टू थ्री एंड फोर। और फिर थ्रेड यही रहने देंगे क्योंकि अब हमने सीधा फंदा बनाना है, तो ये दो फंदे सीधे बनाएंगे नीट टू। अब ये देखिए इसके बाद हमारे फिर जो 13 स्टिचेस हो गए, टू फोर सिक्स एट टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट करेंगे, थ्रेड इस तरह से लपेटेंगे, चार फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब तीन का एक करेंगे और फिर चार फंदे उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब यार्न ओवर, ये हमारा जो है थ्रेड सॉरी आगे रहने देंगे क्योंकि हमने सीधे फंदे बनाने हैं, और यहीं पर हमारा जो रिपीट पैटर्न ओवर होता है, और ये दो फंदे लास्ट वाले हम इस तरह से सीधे बना लें। रॉन्ग साइड से रो टू पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। देखिए जाली वाला फंदा भी हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, तो सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो मैं बना लेती हूँ, पर्ल ऑल द स्टिचेस। अब रो थर्ड राइट साइड से निट टू, दो फंदे सीधे, ये फंदे एज इट इज सीधे ही चलते जाएंगे। इसके बाद हमने यार्न ओवर करना है, अब इस तरह से करना है, थ्रेड आगे लाना है और ये चार फंदे हमने सीधे बनाने हैं, निट फोर यार्न ओवर, निट फोर, वन टू थ्री फोर। फर्स्ट रो में हमने उल्टे बनाए थे, अब सीधे बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने ये बीच वाला फंदा यहाँ पर तीन का एक किया था, अब फिर थ्रेड आगे लाना है, उल्टे तीन फंदों का एक करना है इस तरह से, तीन का एक हमने ऐसे ही करना है, पर्ल थ्री टुगेदर। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे और ये चार फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर। फिर थ्रेड आगे लाएंगे और ये दो फंदे एज इट इज सीधे ही चलेंगे और निट टू।
फिर यार्न ओवर, निट फोर, 1, 2, 3 एंड 4। थ्रेड आगे लाएंगे, 3 का 1 करेंगे और फंदा उल्टा बनाएंगे, पर्ल 3 टुगेदर, 3 फंदों का 1 करेंगे। थ्रेड बैक साइड और 4 फंदे सीधे, निट 4, 1, 2, 3 एंड 4। अब थ्रेड आगे लाएंगे, ये 2 फंदे सीधे बनाएंगे, यार्न ओवर, निट 2, ये 2 फंदे सीधे हैं, इनके ऊपर सीधे बनते जाएंगे। अगेन थ्रेड आगे लाएंगे, 4 फंदे सीधे बनाएंगे, निट 4। अब यहाँ पर ये 3 का 1 करेंगे, देखिए यहाँ पर 3 का 1 इसके साथ किया था, अब भी इसी के साथ ही करना है। एक स्टिच इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, पर्ल 3 टुगेदर, अगेन यार्न बैक साइड, पर्ल 4, सॉरी निट 4, 1, 2, 3 एंड 4, 4 फंदे सीधे, थर्ड आगे लाएंगे, निट 2, 2 फंदे सीधे। आप देखिए इस तरह से इसकी शेप बननी स्टार्ट होगी। अब फोर्थ रो है रॉन्ग साइड से, पर्ल 4, सॉरी ऑल, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। तो ये पैटर्न की, बॉर्डर पैटर्न की ये लास्ट रो है, तो ये मैं कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। अब फ्रेंड देखिए यही 4 रोज रिपीट करते जाएंगे और हम ये अपना बॉर्डर कंप्लीट करेंगे, और बॉर्डर जितना मैंने बनाया है मैं आपको बना करके दिखाती हूँ, जितना मैंने फ्रॉक में बनाया। देखिए फ्रॉक में ये मैंने इस तरह से बनाया है, 1, 2, 3 टाइम्स मैंने रिपीट किया है, तो आपको भी मैं ये 3 टाइम्स रिपीट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा लगता है। अब फ्रेंड देखिए मैंने फ्रॉक में इतना बॉर्डर बनाया है, ये पैटर्न 1 to 4 रोज का मैंने 3 टाइम्स रिपीट किया है, तो अब ये हमारी 12 रोज कंप्लीट होगी बॉर्डर पैटर्न की, प्लस 2 बेसिक रो थी। अब हमारी ये राइट साइड से रो है, अब हमने पैटर्न स्टार्ट करना है, और पैटर्न से भी पहले 2 रोज हम बेसिक रो बनाएंगे और पर्ल ऑल द स्टिच। ये राइट साइड से रो बेसिक रो है, रो 1, तो ये हम पूरे फंदे उल्टे बनाएंगे, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। राइट साइड से रो मैंने बना ली, अब बेसिक रो 2 रॉन्ग साइड, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और फ्रेंड ये 1 और 2 रोज ये भी पैटर्न में रिपीट नहीं होंगी, तो ये रो मैं कंप्लीट करके फिर आपके बताती हूँ। फ्रेंड ये 2 रोज मैंने उल्टी उल्टी बनाई हैं, और फ्रेंड ये जो पैटर्न है ये हमारे पैटर्न के लिए स्टिचे चाहिए मल्टीपल ऑफ 10+3, तो अब हमें चाहिए 10, 4 और 40, 43 स्टिचेस, क्योंकि हमने नीचे 41 डाले हैं, तो अब हम 2 स्टिच हमने इंक्रीज करने हैं, तो इस रो में मैंने 2 स्टिचे इंक्रीज कर दिए जो हमने ये रो बनाई थी। और अब हमारी है पैटर्न की फर्स्ट रो राइट साइड से, और ये जो पैटर्न है ये 16 रोज का पैटर्न है। पहले 2 बेसिक रोज बनाई, वो रिपीट नहीं करेंगे, इसके बाद 16 सिलाइयों का ये पैटर्न है। तो चलिए रो 1 राइट साइड से 2 फंदे सीधे बनाएंगे, इसके बाद हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता है। एक फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे और इस तरह से बढ़ाएंगे, ये वाला जो फंदा है इसका ये वाला थ्रेड उठाएंगे, ये वाला इस तरह से, देखिए ये थ्रेड यहाँ पर, ये थ्रेड जो है, सॉरी ये स्टिच एक बढ़ गया। इसके बाद 3 फंदे सीधे, नीट 3, 1, 2, 3। अब हमारे पास एक फंदा बढ़ा हुआ है, अब हमने 3 का 1 करना है, तो ये स्टिच आगे लाएंगे और इसको इस तरह से डालेंगे बल निकाल करके, और बैक साइड से 3 का 1 करेंगे इस तरह से, निट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, अगेन निट 3, 3 फंदे सीधे। फिर यहाँ से ये थ्रेड उठाएंगे, ये इस तरह से, और एक फंदा बढ़ा लेंगे, अब एक फंदा सीधा।
अब देखिए इसके बाद हमारा पैटर्न स्टार्ट होता है, तो 2, 4, 6, 8, 10 स्टिचेज का यही पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे। यहाँ पर दो हमने कम किए थे, 3 का एक किया था, तो 2 स्टिच हमारे कम हो गए। एक हमने यहाँ इंक्रीज़ किया था, एक हमने यहाँ पर इंक्रीज़ कर लिया। और फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न स्टार्ट होता है, और फिर हम यहाँ से स्टिच उठाएंगे, एक इंक्रीज़ करेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, नीट 3, फिर 3 का एक करेंगे। आप 3 का एक पहले जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो, या इस तरह से 2 स्टिच लेंगे, इनको इस तरह से निकाल करके फिर ऐसे डाल करके फिर पीछे से 3 का एक कर देंगे। तो आप किसी भी तरह से कर सकते हो, ये भी वैसे ही बनेगा। और फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर एक इंक्रीज़ करेंगे इस तरह से, ये फंदा सीधा बनाएंगे, फिर इंक्रीज़ करेंगे, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 3 का एक करेंगे। तो आप 3 का एक इस तरह से भी कर सकते हो, ये बीच वाला आगे लाएंगे और बैक साइड से इस तरह से तीन का एक करेंगे, फिर नेट 3, 3 फंदे सीधे, फिर एक इंक्रीज करेंगे, ये वाला फंदा इस तरह से लेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर एक इंक्रीज करेंगे इस तरह से, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, फिर ये 3 का एक करेंगे, ये 2 फंदे इस तरह से स्लिप करेंगे, इनको वापस इधर स्लिप करेंगे और फिर इस तरह से 3 का एक करेंगे। अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 3 फंदे सीधे, उसके बाद हमने 1 इंक्रीज़ करना है और ये लास्ट में हमारे पास इंक्रीज़ 1 स्टिच सीधा और एक रह गया। यहाँ पर हमारा रिपीट पैटर्न ओवर होता है और ये स्टिच भी हम सीधा बनाएंगे। अब इस पैटर्न में रॉन्ग साइड से रो जो है ये वाली हमने उल्टी बनानी है, पर ऑल द स्टिचेस सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। और ये जो इंक्रीज हमने ये जो उठाया था फंदा उठा करके बनाया, ये सारे फंदे इसी तरह हमने बनाते जाना है। अब हमारी राइट साइड से है रो 3, तो पहले हम नीट 3, 3 फंदे सीधे बनाएंगे। इसके बाद अब हमारा रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो रहा है, तो अब पहले हम ये स्टिच इस तरह से, देखिए ये वाला, इसे हम इस तरह से बनाएंगे, इंक्रीज 1, अब निट 2, 2 फंदे सीधे। और अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला हमारा फंदा है जिससे हमने 3 का एक किया, ये वाला फंदा ये लेंगे, एक इधर से लेंगे, 3 का एक करेंगे, आप स्लिप 2, अगेन स्लिप 2, अब नीट 3 टुगेदर थ्रू बैक लूप, 3 का एक कर दिया, अब नीट 2, 2 फंदे सीधे, फिर इंक्रीज 1, इस तरह से ये फंदा ऐसे उठाएंगे। और अब उसके बाद पहले एक फंदा सीधा बनाया था, अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, नीट 3, अब फिर इंक्रीज 1, ये फंदा उठाएंगे और इसे बना देंगे, अब नीट 2, 2 फंदे सीधे। और अब देखिए ये 3 यहाँ पर 3 का एक किया था, अब यहाँ पर भी 3 का एक करेंगे, नीट 3 टुगेदर इस तरह से, नीट 2, इंक्रीज 1, निट 3। यहाँ पर हमारा पैटर्न पूरा होता है निट 3 पर, जैसे फर्स्ट पैटर्न हमारा यहाँ पर पूरा हुआ था, ये बड़ा और ये 3 फंदे सीधे, यहाँ पर आकर ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ। अब हमारा ये सेकंड पैटर्न जो है वो कंप्लीट हुआ, और अब फिर हम ये फंदा उठाएंगे इस तरह से, फिर 2 बनाएंगे सीधे, निट 2, फिर 3 का एक करेंगे, इस तरह से अगेन 2 फंदे सीधे बनाएंगे,
फिर एक फंदा ये वाला उठा करके बनाएंगे ऐसे, नीट थ्री, तीन फंदे सीधे अब, और फिर हम इस फंदे को बनाएंगे, और उसके बाद नीट टू, दो फंदे सीधे, फिर तीन का एक करेंगे। जिस फंदे को हमने सेंटर में ही होता है जिसके साथ हम तीन का एक करते हैं, एक फंदा उससे पहले वाला, एक उसके बाद वाला लेना होता है। तो फंदा देखिए ये इस तरह से बनता जाएगा। अब नीट टू, दो फंदे सीधे, उसके बाद हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे ऐसे, और ये तीन फंदे सीधे, और यहीं पर हमारा नीट थ्री पर ही पैटर्न जो है ये कंप्लीट होता है। अब हमारी है फोर्थ रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिच, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब फ्रेंड देखिए इस तरह से बन गया, यहाँ पर हमारे स्टिच जो डिक्रीज हो रहे हैं वहाँ से इस तरह से आ रहा है, जो इंक्रीज हो रहे हैं वहाँ से इस तरह से बन रहा है। अब हमारी रो फिफ्थ है राइट साइड से, नेट फोर, चार फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री एंड फोर, फोर के बाद हम इंक्रीज करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले इंक्रीज किया, अब ये इंक्रीज करके फिर देखो यहाँ पर इंक्रीज किया, यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से ऐसे बनेगा। अब यह ये वाला स्टिच हमारा बीच वाला स्टिच है, इसके एक इधर से लेना है, एक इधर से लेना, तीन का एक करना है। तो अब इंक्रीज वन, निट वन, अब एक फंदा सीधा बनाएंगे और फिर ये तीन का एक करेंगे, निट थ्री टुगेदर इस तरह से, तीन का एक, अगेन निट वन, फिर इंक्रीज वन। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइव स्टिचेस हो गए, पहले वन था, फिर थ्री, फिर फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, इंक्रीज फाइव, सॉरी निट फाइव, फिर इंक्रीज वन, ये वाला फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। अब फिर निट वन, एक फंदा सीधा बनाने के बाद इन तीन का एक करेंगे, फिर निट वन, फिर इंक्रीज वन, फिर निट फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, निट फाइव, फिर यहाँ पर इंक्रीज वन, फिर निट वन, फिर ये तीन का एक करेंगे, निट थ्री टुगेदर फिर नेट वन, एक फंदा सीधा, फिर ये फंदा बढ़ाएंगे, यही हम रिपीट करते जाएंगे। अब नेट फाइव, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर इंक्रीज वन, फिर नेट वन, फिर तीन का एक करेंगे, नेट थ्री टुगेदर, अब तीन का एक किया, फिर नेट वन, फिर इंक्रीज वन, और अब हमारे पास फोर स्टिचे रहेंगे। पहले हम ये स्टार्टिंग में फाइव बनाते आ रहे हैं, अब इसके बाद हमारे पास निट फोर, लास्ट में चार स्टिच सीधे आएंगे। ये थी हमारी फिफ्थ रो राइट साइड से। अब हमारी है सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से, अपने हमने सेकंड कलर लगाना है। तो अब पहले फर्स्ट टू स्टिच तो इस तरह से स्लिप करेंगे, ये अब भी कलर एक ही चलेगा, सेकंड कलर ही बनाएंगे। ये मैं पिंक लगा रही हूँ, और उसके बाद ये थ्री स्टिच हम उल्टे बनाएंगे, स्लिप टू पर्ल थ्री इस तरह से। इसके बाद स्लिप थ्री, वन टू थ्री, अब पर्ल सेवन, सात फंदे उल्टे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन। अब देखिए हमने कौन से फंदे थ्री स्लिप करने हैं, एक ये वाला फंदा और इसके इधर वाला फंदा, इसके साथ जो इंक्रीज किए थे हमने वो फंदे
हमने बनाए हैं उल्टे, और ये फंदे सॉरी ये उल्टे बनाए हैं पिंक कलर से, और ये स्लिप किए हैं, और ये तीन फंदे स्लिप करते जाना, उसके बीच हमारे पास ये बढ़ते गए हैं और ये 7 फंदे हो गए, और एक फंदा था, तीन तीन दोनों तरफ से बढ़ गए 7 फंदे। ये 7 फंदे हमने पिंक कलर से बनाने हैं। अब ये 3 फंदे ये हम स्लिप करेंगे और ये 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह हमने ये रो बनानी है। ये 7 फंदे बना लिए, अब ये 3 स्लिप करेंगे। अब देखो जब आप बनाओगे आपको पता चल जाएगा, ये 3 का 1 किया हुआ है तो ये हमारा 3 के बीच में आना चाहिए। अब 7 स्टिचेस उल्टे, 3, 4, 5, 6 और 7, 3 फंदे उल्टे स्लिप बिना बुने उतारेंगे, फिर 7 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, पर्ल 7 स्लिप 3। अब देखिए 3 का 1 किया हुआ है, अब हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट में ये हमने स्लिप करनी है। अब देखिए पर्ल हमारे पास ये 7, फिर स्लिप 3, फिर पर्ल 3 फिर स्लिप 2, और अब हमारी है 7 थ्रो राइट साइड से। आप देखिए ये फंदे जो स्लिप किए हैं इन्हें तो हमने स्लिप करना है। इसी तरह आप थ्रेड आगे लाएंगे, ये फंदे जो हमने बनाए हुए हैं इन्हें बुनना है और उल्टा बनाना है पर्ल 3, लेकिन अब हम थ्रेड बैक साइड लेके जाना है, फिर इनको स्लिप करना है, फिर थ्रेड फ्रंट साइड लाएंगे और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। जो पिंक कलर है वो पिंक कलर से ही उल्टे बनाएंगे। अब थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, फिर स्लिप करेंगे, फिर थ्रेड फ्रंट साइड पर 7। थ्रेड बैक साइड स्लिप 3, फ्रंट साइड थ्रेड 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पर 7। थ्रेड बैक साइड स्लिप 3, फ्रंट साइड थ्रेड करेंगे पर 3, 3 फंदे उल्टे बनाएंगे बैक साइड करके, फिर हम ये स्लिप करेंगे। और ये थी हमारी 7 थ्रो राइट साइड से, और ये इस तरह से बन गया, और ये 2 रोज ही इस कलर की बननी है। और अब हमने ये कलर स्टार्ट करना है, कलर ए, और सारे फंदे उल्टे बनाने हैं पर्ल ऑल द स्टिचेस। ये सारे जो स्लिप किए हुए हैं जो बनाए हुए हैं सारे स्टिचेस हम इस तरह से उल्टे बनाएंगे। अब ये थी हमारी रॉन्ग साइड से रो 8, और अब हमारी है 9th रो राइट साइड से। तो अब हमने पैटर्न, ये पैटर्न चेंज करेंगे, प्लेस चेंज होगा, पैटर्न सेम, रोज हमारी उसी तरह बनेंगी। ये वाला पैटर्न जो है ये यहाँ बनेगा और ये वाला पैटर्न ये इसके ऊपर बनेगा। तो 9th रो राइट साइड से निट 4, 4 फंदे सीधे बनाएंगे सीधे, उसके बाद निट 2 टुगेदर 2 का 1 करेंगे। देखिए इस तरह से 2 का 1, अब ये सेंटर वाला फंदा आ गया। अब हमने इसके दोनों साइड इंक्रीज करना है, इंक्रीज 1 निट 1, ये फंदा सीधा बनाना है ये वाला, और फिर इंक्रीज 1 इस तरह से। अब ये वाले पिंक से पहले 1 स्टिच है हमारे पास, अब 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, एक फंदा ये था, 2 फंदे हमारे पास ये, 3 फंदे सीधे। अब ये 7 फंदे थे, 7 के बीच 2 इधर लिए, 2 इधर, 2 लिए, बीच में रह गए 3 फंदे, 3 का 1 करेंगे स्लिप 2, और ये 3 का 1 करेंगे इस तरह से। अब 3 फंदे सीधे नेट 3, 1, 2, 2 ये वाले, 1 ये वाला स्टिच होगा,
अब ये वाला स्टिच आ गया बीच वाला, उससे पहले इंक्रीज वन, निट वन, इंक्रीज वन, और फिर तीन फंदे सीधे, वन टू थ्री, निट थ्री, तीन का एक करेंगे, निट थ्री टुगेदर। फिर निट थ्री, वन टू थ्री, तीन फंदे सीधे, फिर इंक्रीज वन, फिर निट वन, फिर इंक्रीज वन, फिर निट थ्री, तीन फंदे सीधे, फिर तीन का एक। इस तरह से फिर निट थ्री, तीन फंदे सीधे, तीन फंदे सीधे, फिर ये फंदा आ गया, इधर इंक्रीज करेंगे निट वन, फिर इंक्रीज करेंगे यहाँ पर, और ये तीन फंदे सीधे बनाएंगे, सॉरी ये दो का एक करेंगे, इंक्रीज यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर इंक्रीज किया, ये सीधा बनाया, फिर इंक्रीज किया, फिर दो का एक करेंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, दो का एक, निट टू टुगेदर, ये चार फंदे रह गए, ये सीधे बनाएंगे निट फोर। अब हमारी है टेंथ रो, सॉरी टेंथ रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। अब हमारी है राइट साइड से इलेवेंथ रो, अब तीन फंदे सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री, निट थ्री, अब यहाँ पर दो का एक करेंगे, पहले हमने यहाँ पर देखो दो का एक हुआ हुआ है, अब उसी स्टिच के साथ अब फिर दो का एक करेंगे इस तरह से, अब हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, निट टू टुगेदर, इंक्रीज वन, अब निट थ्री, अब इस ये वाला फंदा है, इसके साथ एक एक फंदा हमारा बढ़ गया था, ये तीन फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर इंक्रीज वन, अब निट टू, दो फंदे सीधे, और फिर ये देखिए यहाँ पर तीन का एक किया था, अब ये फिर तीन का एक करेंगे, इस तरह से फिर दो फंदे सीधे, फिर इंक्रीज वन, निट टू, इंक्रीज वन, निट थ्री, तीन फंदे सीधे, फिर इंक्रीज वन। अब देखिए ये वाला जो है इस साइड बनाया था वो इस साइड बन रहा है, जो ये वाला बनाया था वो यहाँ पर बन रहा है, अब फिर हमने दो फंदे सीधे बनाने हैं, फिर यहाँ पर तीन का एक करेंगे, तो ये रो कंप्लीट करके एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब इलेवंथ रो के एंड में है, तो देखिए यहाँ पर मैंने तीन फंदे सीधे बनाने के बाद इनक्रीज़ किया है ये वाला इस तरह से, और अब हमने दो का एक करना है ऐसे, और तीन फंदे लास्ट में रह जाएंगे सीधे, निट टू टुगेदर, निट थ्री। अब हमारी है ट्वेल्थ रो रॉन्ग साइड से, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। ट्वेल्थ रो मैंने कंप्लीट कर ली, अब हमारी है राइट साइड से रो थर्टीन्थ, अब हम दो स्टिच सीधे बनाएंगे, निट टू, वन और टू, अब यहाँ पर देखिए ये दो का एक ऐसे हो रहा है, और अब यहाँ पर दो का एक करेंगे, देखिए ये स्टिच इस तरह से जा रहा है, उसके बाद इंक्रीज वन, यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, ये इंक्रीज वाले स्टिचेज ऐसे बनेंगे, वैसे हम होल्स नहीं बनाएंगे, उठाएंगे यहाँ से, अब वन टू थ्री फोर फाइव, इंक्रीज वन के बाद निट फाइव, पांच फंदे सीधे, फिर इंक्रीज वन, क्योंकि ये जो बड़े हुए स्टिचेज है बीच में आते जा रहे हैं, पहले एक था फिर तीन फिर पांच, अब निट वन, एक फंदा सीधा, अब ये देखिए तीन का एक, निट थ्री टुगेदर, निट वन, फिर इंक्रीज वन, इंक्रीज वन के बाद देखिए यहाँ तक ये फाइव स्टिचेज, फिर हम सीधे बनाएंगे,
1, 2, 3, 4, 5, फिर इंक्रीज 1, इस तरह से। अब फिर देखिए, एक फंदा सीधा, 3 का 1, फिर एक फंदा सीधा, फिर इंक्रीज 1, फिर 5 फंदे सीधे, फिर इंक्रीज 1। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 13th रो के एंड में है, देखिए 5 फंदे सीधे बनाए, फिर यहाँ पर इंक्रीज करेंगे और 2 का 1 करेंगे, फिर ये 2 फंदे सीधे। अब रो 14th रॉन्ग साइड से, और अब हमने सेकंड कलर लगाना है। तो पहले स्लिप 3, 3 फंदे बिना बुने उतारेंगे, फिर ये थ्रेड लेंगे और पर्ल 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 फंदे उल्टे, फिर स्लिप 3। अब देखिए, ये जो स्लिप करने हैं हमने, यही वाले 3 फंदे स्लिप करने हैं, जो बीच वाला, एक ये वाला फंदा, एक इधर का, एक इधर का। 1, 2, 3, फिर पर्ल 5, 1, 2, 3, 4, 5, सॉरी पर्ल 7, 6 और 7, पर्ल 7। अब ये रॉन्ग साइड से जब बनाएंगे तो थ्रेड आगे ही रहेगा, स्लिप करेंगे थ्रेड हमारी और रहेगा। अब इसी तरह उल्टे फंदे बनाएंगे। तो ये रो के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ। अब 14th रो के एंड में है, देखिए इस तरह से ये स्लिप 3 पर्ल 7। तो ये मैंने पर्ल 7, 7 फंदे उल्टे बनाए, लास्ट में ये हमारे पास ये स्लिप 3 है। और अब हमारी राइट साइड से 15th रो, ये जो स्लिप की है अब भी हमने स्लिप करनी है। अब थ्रेड को हमने आगे लेके जाना, इस रो में हमें थ्रेड का ध्यान रखना पड़ता है। अब 7 फंदे उल्टे, पर्ल 7, जो हमने पहले उल्टे बनाए हैं वो इस साइड से भी उल्टे ही बनेंगे, पर्ल 7। अब हम थ्रेड बैक साइड लेके जाएंगे, फिर ये स्टिच स्लिप करेंगे, स्लिप 3, फिर थ्रेड फ्रंट साइड, फिर हम 7 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो इसी तरह हम ये रो कंप्लीट कर लेंगे, फिर थ्रेड बैक साइड, फिर स्लिप 3। और ये रो के लास्ट में है, 15th रो के लास्ट में, और ये 7 स्टिच मैंने बनाए उल्टे, अब ये हमने स्लिप करने हैं। अब हमारी लास्ट रो, 16th रो ऑफ द पैटर्न, पर्ल ऑल द स्टिचेस, कलर ए, सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। सारे फंदे उल्टे बना करके ये रो कंप्लीट करेंगे। अब 16th रो हमारी कंप्लीट होगी। तो ये 1, 2, 16 रोज हमने रिपीट करते जाना है पैटर्न को आगे, ऐसे ही जितना भी हमने प्रोजेक्ट बनाना है बना लेंगे। फ्रेंड देखिए, 1, 2, 16 रोज मैंने रिपीट करते हुए इतना बना लिया, ये 8.5 इंच, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है। और ये पैटर्न कितनी बार रिपीट किया है, ये 2 धारियाँ बनती हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स ये मैंने बनाया है। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 वीडियो में इतना ही। आज मैंने आपको बॉर्डर पैटर्न और ऊपर का पैटर्न बताया है, और फ्रेंड्स पार्ट 2 वीडियो में इसे आगे बनाएंगे। और अगर आप ये पैटर्न और ये फ्रॉक बनाना चाहते हो तो आप मेरी अगली वीडियो के आने तक आप फ्रॉक की दोनों साइड्स, फ्रंट बैक, इतनी आप बना करके कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम पार्ट 2 वीडियो में आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ओके बाय, मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में।